press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बना के दिखाने वाला हूँ एक IR सेंसर मॉड्यूल की मदद से। और मैं इसमें कोई आर्डुइनो या फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं करूँगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक IR सेंसर मॉड्यूल। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फिर आपको चाहिए होगा इस तरह का एक वाटर पंप, और फिर आपको चाहिए होगा एक 6 या फिर 12 वोल्ट का रिले। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। इसका जो कलेक्टर वाली पिन है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। तो इस वीडियो में भी हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं एक एम्पलीफायर की तरह। तो इस सेंसर पे यहाँ पे 3 पिन्स आपको दिख रही है। पहला वाला है पॉजिटिव, बीच वाली जो है ये है नेगेटिव, और साइड वाली ये है आउटपुट पिन। तो जब भी हम इसमें पावर सप्लाई करेंगे और इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, तो ये वाली जो पिन है VCC और आउटपुट पिन, इस पिन पे एक छोटा सा वोल्टेज आता है, लगभग 2 point something ऐसा कुछ आता है। हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर की मदद से ये जो वोल्टेज है, इसको हम एम्पलीफाई करके रिले में सेंड करेंगे। और जब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमारी ये वाली जो वाटर है, इसको ऑन कर देगा रिले। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो इस IR सेंसर को पावर देने के लिए हम इस तरीके का कोई बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई मोबाइल फ़ोन की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का 2 बैटरी का यूज़ किया है। एक को हम यूज़ करेंगे इस वाटर पंप को चलाने के लिए, और दूसरे इस बैटरी का हम यूज़ करेंगे रिले को एक्टिवेट कराने। तो इस मोटर में लगाने के लिए मैं इस तरीके का एक पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको हार्डवेयर की शॉप में 10 रुपये का फिट मिल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर एक हॉर्लिक्स का डब्बा लिया है। आप कोई सा भी कंटेनर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और हमारी जो IR सेंसर है, हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, और जो पाइप है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, और ये जो मोटर है ये इस डिब्बे के अंदर रहेगा। और जब भी हम अपने हाथों को इसके पास लाएंगे, तो इसके अंदर जो भी सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन रहेगा, वो हमारे हाथ में तुरंत गिर जाएगा। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कनेक्शन सब कुछ आपके सामने रखा है, और यह है एक 12 वोल्ट का बैटरी। इसका जो पॉजिटिव वायर है, इसको हमने रिले के यहाँ पर इस कॉइल पिन के साथ अटैच किया हुआ है। और इस 12 वोल्ट का जो नेगेटिव है, उसको हमने ट्रांजिस्टर के लास्ट वाले पिन यानी कि एमिटर पिन पे कनेक्ट किया हुआ है। और यह है एक लिथियम आयन बैटरी। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने एक स्विच से होके, यहाँ पर एक छोटा सा टिकटेक वाली स्विच है, स्विच से होके हमने इसको यहाँ पर VCC वाली IR सेंसर के पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इस बैटरी का जो नेगेटिव है, वो डायरेक्टली गया है ग्राउंड पिन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी जब भी कोई भी ऑब्स्टेकल इस IR सेंसर के सामने आएगा, तो यहाँ पर VCC और आउटपुट वाले पिन में एक थोड़ा सा वोल्टेज आता है, और इस वोल्टेज को ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जो मिडिल वाले पिन है, इसको लगा दिया है VCC वाले पिन पे, और ट्रांजिस्टर की जो लास्ट वाले पिन है, इसको हमने एक जम्पर वायर की मदद से इसको हमने IR सेंसर की आउटपुट वाले पिन पे इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये मोटर चालू हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, कोई सा भी वायर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वायर को कट करना है। और एक वायर को, मोटर के वायर को कट करने के बाद, हमें एक वायर को लगाना है यहाँ पर रिले के मिडिल वाले पिन यानी कि कॉमन पिन के साथ लगाना है, और दूसरे वाले को लगाना है नॉर्मली ओपन पिन, इस पिन पे हमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल कंप्लीट हो चुका है। और मैंने पहले आपको कहा था कि यहाँ पर इस मोटर को चलाने के लिए आप 12 वोल्ट का बैटरी का यूज़ करें, लेकिन अब मैं कहूँगा कि आप कोई एक बैटरी का यूज़ करें, 12 वोल्ट का यूज़ ना करें, और 5 वोल्ट बैटरी, इस तरह का बैटरी का यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इसको एक पेन की मदद से, पेन का जो सामने का पोर्शन होता है, उसको यूज़ किया, इसको स्लो किया, फिर भी ये काफ़ी स्पीड था। फिर मैंने सिर्फ एक बैटरी से इसको अभी मैं चला रहा हूँ। तो चलिए आप इसका एक बार टेस्टिंग ले लेते हैं।